हाय गाइस, एक बात मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर मैं दो फोन के बॉक्स दिखाऊं, दोनों आईफोन 15 प्रो मैक्स के बॉक्स है। इनमें से एक असली है, एक नकली। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता कि कौन सा नकली है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जो फेक आईफोन बनाने वाली इंडस्ट्री है ना, ये इम्प्रूव भी करती जा रही है, ग्रो भी करती जा रही है, क्योंकि फिनिशिंग इनकी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। नॉर्मल बंदा अब नहीं पता लगा सकता भाई, बहुत छोटे छोटे चेंजेस है। देखो, हो सकता है आपको लगे कि भाई कौन ही खरीदता है फेक आईफोन, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा बिकते हैं। हमने इंस्टाग्राम पे देखा है, डेडिकेटेड पेजेस है जो फोन बेचते हैं, कई तो असली बोल के भी बेच देते हैं, बिल्कुल स्कैम करते हैं। इनफेक्ट जहां पर मेरा ऑफिस है, यहाँ पर दो शॉप्स है जो फेक आईफोन बेचती है और लोग खरीदते हैं। एंड बिलीव मी, ये फोन बिल्कुल भी खरीदने लायक नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसका आंसर तो मैं करूंगा। इनफैक्ट अगर आप एक ऐसे हो यूजर जिसको फेक आईफोन चाहिए फॉर सम रीजन, मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सलूशन देने वाला हूं लास्ट में। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आओ मैं आप लोग को और शॉक कर देता हूं, एकदम पास से दिखाता हूं इन बॉक्सेस को। दोनों बॉक्सेस में सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देखो, मैं अब आपको लेफ्ट से भी दिखा देता हूं, राइट से भी, बैक से भी। है ना भाई, दोनों सुपर सिमिलर। इनमें से एक नकली है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ऊपर से दोनों को छोड़ता हूँ ऐसे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा भाई कौन सा असली है कौन सा नकली। ये नकली है, ऐसे बॉक्स नहीं खुला इसका। फेक आईफोन का बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। सच बताऊं तो अगर ऐसे रखे है तो भाई बहुत मुश्किल है पहचानना कि ये वाला फेक आईफोन है। एक चीज आपको मैं बताता हूँ जो मैंने इन जनरल नोटिस करी है, देखो रियल आईफोन है ये वाला। इसका जो डेटा केबल है ये नीचे की साइड रहता है और ऊपर की साइड जो है एप्पल ऐसे पाउच देता है, जबकि फेक आईफोन में ऊपर की साइड जो है ये केबल रखी होती है और ऑपोजिट होता है इन शॉर्ट। पर बॉक्सेस में ना रियल डिफरेंस बताता हूँ, जिससे आपको पूरा अच्छे से पता लग जाएगा कौन सा असली है कौन सा नकली। राइट साइड ना असली आईफोन के ऐसे QR कोड बना होता है, प्राइस लिखा होता है और इम्पोर्टर का नाम तक लिखा होता है। फेक आईफोन पूरा प्लेन रहता है राइट साइड से। एक और इम्पोर्टेंट पहचान, जैसे कि ये आईफोन लिखा हुआ है या फिर ये जो एप्पल लोगो है, असली बॉक्स में देखो शाइन रहती है। मैंने टाइटेनियम कलर खरीदा है तो टाइटेनियम कलर का एप्पल लोगो रहेगा, और ये देखो नकली वाले में कोई शाइन नहीं है, एकदम प्लेन है। और ये जो बैक साइड है ना, ये बहुत ट्रिकी है भाई। ये जो नकली आईफोन का बॉक्स है ना, इसमें यहाँ पर ना ये स्टिकर की तरीके से चिपका रहता है, जबकि ये वाला पार्ट जो है बॉक्स पे प्रिंटेड है असली आईफोन में, बस स्टिकर ये ऊपर वाला रहता है। ये देखो, ये दोनों स्टिकर है। सबसे इजी तरीका बताता हूँ, जो असली आईफोन होता है ना, यहाँ पर देखो सार वैल्यू और ये BIS सर्टिफिकेशन दे रखी है। ये नकली वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबसे इजी पहचान है। ये नकली आईफोन के बॉक्स में ना सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एप्पल की वेबसाइट पे डाल के दिखाता हूँ। ये डाल दिया भाई वेबसाइट पे, ये जो है आईफोन 12 प्रो का सीरियल नंबर है, जो 2020 में खरीदा था किसी ने, और आउट ऑफ वारंटी है ये। देख रहे हो आप, इनके पास सीरियल नंबर भी असली है भाई। ये चीज मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है। अब फोन्स को देखो यार, कितना कमाल का काम किया। अगर किसी के पास ओरिजिनल फोन ना हो ना, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है बताना कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल। वैसे बता दूं, ये वाला फेक है। अच्छा, पहले वाले जो फेक आईफोन आते थे ना, उनपे फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा लगते थे और साफ नहीं होते थे। इन्होंने ये भी इम्प्रूव कर दिया, फिंगरप्रिंट काफी कम कर दिए, आते हैं बट काफी कम हो चुके हैं। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूँ, कैमरा मॉड्यूल से काफी कुछ पता लगता है। ये फेक वाला जो है ना, सीरियसली बताऊं तो काफी डर्टी लुक दे रहा है, खासकर नेचुरल टाइटेनियम में तो बहुत डर्टी लुक देता है पूरा का पूरा मॉड्यूल। अच्छा, अगर मैं इस कैमरा रिंग्स की भी बात करूं, देखो ये अलग कलर की है। जो ओरिजिनल फोन है ना, वो नेचुरल टाइटेनियम की ही रिंग लेकर आता है, और अगर ध्यान से देखोगे फेक आईफोन के कैमरास को, ये एकदम जो है नकली दिखते हैं। मतलब ऐसे लेंस वगैरह दिख रहे हैं, जबकि ओरिजिनल आईफोन इतनी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ आता है कि ऐसे नहीं दिखता कुछ भी। वैसे बता दो, ये फेक आईफोन को अगर मैं ऐसे प्रेस करता हूँ ना, फील होता है कि भाई ये दब रहा है। इनफैक्ट ये पूरा प्लास्टिक बैक पैनल है, इसको पता करने का एक सिंपल तरीका था। ये जो देख रहे हो ना, क्या ये एंटीना लाइंस, ये सारी नकली है, ये ऐसे ही बना रखी है लुक्स के लिए, जबकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेटवर्क्स वगैरह के लिए। बट इस फेक आईफोन में, क्योंकि प्लास्टिक है और प्लास्टिक में इनकी जरूरत नहीं पड़ती एंटीना लाइंस की, इसलिए ऐसे बना दी। जबकि ओरिजिनल आईफोन की मैं बात करूं तो, क्योंकि ये ग्लास है, ऐसे दबता भी नहीं है, और ये सारी एंटीना लाइंस ओरिजिनल है वैसे, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे। वैसे कॉपी बहुत मजा आई है, क्योंकि ये जो नकली आईफोन है, इसमें एक्शन बटन भी दे रखा है, वॉल्यूम रॉकर्स है, बस बटन अजीब से साउंड करते हैं बतवाने पे। और ये अगर मैं इस साइड भी दिखाऊं तो देखो भाई, ये थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है नकली आईफोन के अंदर पावर बटन,
नीचे की साइड देखो भाई, इन्होंने टाइप सी भी दे रखा है और स्पीकर और माइक की जो कटआउट है वो एग्जैक्टली सेम है। वैसे बस एक बहुत छोटा सा चेंज है, एकदम जूम करके दिखाता हूँ कि ओरिजिनल आईफोन के टाइप सी के अराउंड एक लाइनिंग है, फेक में ऐसी नहीं है। और ये जो बोल्ट्स है ये फेक आईफोन मुझे लगता है बेकार से है, नकली बना रखे। अब आपके सामने ना दोनों फोन को मैं बूट करने वाला हूँ, अब देखना कितनी सिमिलैरिटी निकल के आएगी। हो गए क्या ऑन? दोनों में एप्पल लोगो दिख रहा है भाई, कोई कैसे पहचानेगा यार। आप देखना कितना क्रेजी काम करते जा रहे हैं ये। वैसे ये वाला फेक, ओरिजिनल वाला ऑलरेडी बूट हो चुका है, इसको बहुत टाइम लगता है भाई ऑन होने में, और लिखा भी आता है यहाँ पे ऐसे। देखो भाई दोनों फोन बूट करके मैंने सेम स्क्रीन चला दी है भाई, कमाल नहीं करा हुआ। वैसे ये वाला फेक है यार, मैं बहुत हैरान हूँ भाई, आपको क्लोजली दिखाता हूँ। झूठ नहीं बोल रहा यार, मैं इस फेक आईफोन से इम्प्रेस्ड हूँ। देखो एक चीज दिखाता हूँ, अभी आपको ऐसे क्लियरली नहीं दिखेगी, दोनों की सेटिंग्स खोल देता हूं मैं, ऐसे आपको अंदाजा लगेगा कितने ज्यादा बेजल्स है इस फेक आईफोन के। बट मजे की बात, डायनेमिक आइलैंड भाई, कितना सही कॉपी किया है दोनों में, और पता है वर्क भी करता है। जैसे कि एक्शन बटन मैं दबाऊ ना, देखना कैसे बड़ा हुआ कैसे छोटा हुआ डायनेमिक आइलैंड। ये बहुत शॉकिंग बात है कि कैसे फेक आईफोन की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है सॉफ्टवेयर वाइज, और इस बार तो बेजल्स ऊपर के कम करे हुए हैं, जिससे नॉर्मल लोग और मुश्किल से समझे कि भाई ये फेक है, बस एक चिन्ह है जो ये छोटा नहीं कर पाए। और पता है क्या, देखो सेटिंग्स ऐप को इन्होंने स्मूथ बना रखा है बिल्कुल फेक तरीके से, सॉफ्टवेयर का यूज लेते हुए। हो सकता है आपको पहली बारी में लगे कि यार देखो कितना अच्छा चल रहा है ये फोन, लेकिन जैसे ही आप कॉर्नर्स पे देखोगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे इस फेक आईफोन के साथ, हर जगह पे आपको हल्का हल्का ब्लैक दिखेगा, जिसको ब्लीडिंग बोलते हैं। तो बेकार पैनल है ना भाई, इसलिए दिख रहा है सब। इनफैक्ट फेक आईफोन के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन इतना कम लगता है ना, जैसे कि ये वाईफाई का साइन है, ये पूरा पिक्सेलेटेड फील हो जाता है। डिस्प्ले की एक और बात बताता हूँ, देखो अगर आप यूट्यूब पे 4K HDR कॉन्टेंट देखने जाओगे ना, तो ऑब्वियसली भाई ये सस्ता फोन है, HDR तो बिल्कुल नहीं चलाता। इनफैक्ट 1080p 60fps से ऊपर ये प्लेबैक भी नहीं कर सकता, इतनी बेकार परफॉर्मेंस है इसकी। और एक फनी चीज दिखाऊं, देखो ओरिजिनल आईफोन में फेस टाइम कुछ ऐसा रहता है, प्रॉपर ऐप है। ये फेक आईफोन फेस टाइम अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये फोन ऐप खोल देता है, जिससे नंबर डायल होता है, और बढ़िया सी आती है। ये देखो पॉडकास्ट खोलूंगा तो यूट्यूब खुल जाएगा भाई, और टेक्निकली ये एप्पल मैप्स होने चाहिए थे ना, बट गूगल मैप्स खुलते हैं। और एप्पल की अगर मैं स्टॉक्स ऐप को खोलूंगा तो याहू फाइनेंस खुल जाता है। और असली एक्सपोजे तो भाई इस फाइल ऐप से होता है, जहां पर एंड्रॉइड का फाइल मैनेजर आ जाता है, जहां पे एंड्रॉइड वगैरह सब लिखा होता है भाई घुमा फिरा के। और शायद से आपने अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि यहां पर ऐप स्टोर मिलता है, जो कि बहुत तगड़ी कॉपी बना दी है। ये सच में डेवलपर्स क्रेजी काम कर रहे हैं इनके फेक आईफोन वालों के। बट इस फोन में प्ले स्टोर भी है भाई, देख रहे हो आप कितनी मतलब दोस्ती है। बट ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, सोचो कितना कमाते होंगे ये फेक आईफोन बेच के या फिर लोगों को पागल बना के, कि एक्चुअली में इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है। जैसे कि नोट्स ऐप की चीप कॉपी इन्होंने बना ली है, इनफैक्ट एप्पल की जो रिमाइंडर एप्स है उसकी चीप कॉपी है, एप्पल कैलेंडर, फोटोज, इन सब की चीप कॉपी बनाना ना बहुत बड़ी बात है। मतलब सच में पीछे एक सॉफ्टवेयर टीम बैठी है जो इन सबको रेप्लीकेट कर रही है। देखो मैं तो पॉजिटिवली बता रहा हूँ ये बातें, लेकिन अगर इस फोन को कोई भी 5 से 10 मिनट यूज करेगा ना, वो परेशान हो जाएगा। अगर मैं इसमें सफारी खोलता हूँ तो वेब पेजेस इतने लेट लोड होते हैं, और जो एक्सपीरियंस है इतना जिटरी, इतने लैग्स है, हर जगह आपको सिर्फ धोखा और मतलब सिर्फ मैं बोलूंगा फ्रॉडी फील होता रहता है। इसी वजह से मैं तो सिम भी नहीं डाली भाई इसके अंदर, और अकाउंट लॉगिन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं हर साल मना करता हूँ कि भाई शौक में भी ये चीजें मत खरीदा करो, पीछे कौन बैठा है, कौन आपका डाटा ले रहा है, किसी को नहीं पता भाई, बहुत अनसिक्योर चीज है ये। बट आपको पता है क्या, ये इतना एडवांस आईफोन है कि इसके अंदर एंड्रॉइड एप्स चलती है। मैंने एपी की डाली है इसके अंदर एंटूटू की, और रन किया मैंने एंटूटू, मुझे तो हंसी आ गई भाई, 5000 स्कोर आया भाई, क्या मजा आ गया। जस्ट बता दूं मैं कि जो ओरिजिनल आईफोन है उसका 15 लाख से भी ऊपर स्कोर आता है। और आपने देखा कि इस एंटूटू में ऊपर क्या लिखा आ रहा है, एप्पल 15 प्रो मैक्स, एप्पल नहीं लिखता भाई ऐसे। देखो सबसे बड़ा रीजन कि मैं ये सब खरीदने को मना करता हूं, आप लोग की भलाई के लिए बोलता हूं, इसमें एंड्रॉइड 10 से भी पहला वाला एंड्रॉइड है। कोई भी ऐप इंस्टॉल मैं करने जा रहा था ना, कुछ इंस्टॉल नहीं होता, ये फोन उठाने लायक भी मुझे फील नहीं हुआ भाई ऑनेस्टली। और ये फोन हदें पार करता है भाई, इसमें इतने गट्स है कि फेस आईडी का पूरा ऑप्शन दे दिया है भाई, चलता कभी नहीं है, बस दे जरूर दिया है। और शायद आपको पता होगा इस साल एप्पल ने ये एक्शन बटन नया डाला है अपने फोन में, और उसकी एनिमेशन कुछ ऐसी होती है ओरिजिनल आईफोन की, मैं दिखा रहा हूं, इसमें आप अलग अलग टास्क परफॉर्म करा सकते हो। मजे की बात यह है कि इन्होंने वो पूरा जो है चीप तरीके से कॉपी कर दिया है इस फेक आईफोन के अंदर। सेटिंग्स ऐप में पूरा डेडिकेटेड ऑप्शन भी है, बट
बहुत कम चीजें करा सकते हैं हम इस एक्शन बटन से फेक आईफोन के। अगर आपको ये सब चीजें देख के हंसी आ रही है, अब मैं आपको और हंसाता हूँ, इसका कैमरा दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो दो कैमरे लगे हुए हैं ये एकदम नकली है, सिर्फ एक ही कैमरा है इसके अंदर, और हदे तो भाई फिर से पार करी है इन्होंने इसके कैमरा यूआई के अंदर, जहां पर 1x, 1.2x, 1.5x, इनफैक्ट 2x और 3x का भी ऑप्शन दे दिया, और ये सारा डिजिटल जूम है भाई, और इतनी वाहियात फोटोज ये खींचता है। इन्होंने अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन दे दिया 0.5x, जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करता, बस दे दिया है इन्होंने सब कुछ। और अगर इस फोन से खींची हुई फोटो देखो ना, और किसी को भी फोटो की पूरी नॉलेज हो भाई, नाइटमेयर है इसकी फोटोज। एकदम सीधा मैं आपको बता देता हूँ क्लियर वर्ड्स में कि ये फेक आईफोन एकदम वाहियात चीज होती है, एकदम यूजलेस मैं बोलना चाहूंगा। और सैड पार्ट ये है कि काफी सारे लोग फंस जाते हैं इन चीज के अंदर, इनको कोई आकर बेच देता है ये बोल के कि असली है, चोरी का आईफोन है, मैंने ऐसे कस्टम में लिया था, फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत फिजूल की बातें करके 10-10, 11-11 हज़ार में ये फेक आईफोन बेच जाते हैं। बट एकदम सच बात तो ये है कि अगर आप आज के टाइम पे 10,000 का कोई एंड्रॉयड फोन खरीदो, वो ज्यादा यूजफुल है भाई। अगर आपको सच में आईफोन यूज करने की बहुत ज्यादा एस्पिरेशन है कि मुझे आईफोन चाहिए चाहिए, मुझे हाथ में रखना है, शो ऑफ के लिए भी अगर आपको चाहिए, एक इजी सॉल्यूशन बताता हूं भाई, जो आजकल मैं इंटरनेट पे देख रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। जैसे कुछ लोग जो है अपना पोको या फिर रियलमी रेडमी के फोन लेके जाते हैं 10-11 हज़ार के, और उसके ऊपर एक केस लगा के एक फेक आईफोन बना देते हैं। वो थोड़ा सा दिखने में वो आईफोन लगता है और लोगों को पसंद आता है भाई, जिनकी जिद होती है ना, जो लोग ये खरीद लेते हैं 10-11 हज़ार के फेक आईफोन पता होने के बाद भी, उनके लिए मैं ये सोल्यूशन रखूंगा भाई, मैंने ट्राई नहीं किया है। और बस हाँ, अगर फेक आईफोन बनवाओ अपने किसी सस्ते फोन को, तो अपने सामने ही करवाना भाई वो काम, कहीं कुछ और वो वायरस वायरस डाल के आपका सामान चोरी कर ले, इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। बट मुझे लगता है कि भाई ये एक बेटर सोल्यूशन है जिसको भी फेक आईफोन यूज करना पसंद है उनके लिए। आप क्या सोचते हो इस सिचुएशन के बारे में भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।